नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। 15 अगस्त को जिस राम रहीम ने भरी महफिल में अपना जन्मदिन मनाया, 25 अगस्त को वो दोषी साबित हुआ और इसके 3 दिन बाद उसे 20 साल की सजा हुई। लेकिन राम रहीम के जेल जाने के बाद भी सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। सस्पेंस जेल में असली राम रहीम के होने पर, खुलासा आपकी टीवी स्क्रीन पर। राम रहीम जब तक अपने महल नुमा डेरे में था तब भी वो एक रहस्य बना हुआ था और अब अपने गुनाहों की सजा मिलने के बाद भी वो एक सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस ये कि क्या जेल में बंद राम रहीम ही असली राम रहीम है, कहीं वो कोर्ट की आंखों में धूल झोंक कर फरार तो नहीं हुआ। इस रिपोर्ट में हम ऐसे तमाम सवालों का पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे कि राम रहीम का हालिया पता ठिकाना इस वक्त कहाँ है, जेल की सलाखें या आजादी का जश्न मना रहा है राम रहीम। रोहतक की सुनरिया जेल में बंद राम रहीम असली है या नकली, ये सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राम रहीम की दो जगहों की तस्वीरों के जरिए चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। साध्वियों से रेप के मामले में सजा होने से पहले गुरमीत सिंह ने डेरा सच्चा सौदा में 15 अगस्त को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। इसी दिन हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी हजारों भक्तों की तरह राम रहीम के सामने मत्था टेकने पहुंचे थे। अब आप राम रहीम के बालों पर नजर गड़ा लीजिए, इसमें राम रहीम के छोटे बाल और छोटी दाढ़ी आपको नजर आ रही होगी। ये दाढ़ी और ये बाल पूरी तरह से असली नजर आ रहे हैं। जिस धूमधाम से राम रहीम ने अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट किया, इसके चेहरे पर हल्की सी भी शिकन नजर नहीं आ रही थी कि 10 दिन बाद इस पर फैसला आना है। बेफिक्री से कोसों दूर राम रहीम का जन्मदिन सेलिब्रेशन। अब अगली तस्वीर इसके 10 दिन बाद यानी 25 अगस्त की है, जिस रोज राम रहीम को पंचकुला में सीबीआई कोर्ट से दोषी करार दिया गया था। ये तस्वीर उसे दोषी ठहराए जाने के बाद की है। इनमें उसकी दाढ़ी काफी बढ़ी हुई थी और सिर के बाल भी लंबे थे। इन दो तस्वीरों के जरिए माजरा आपको साफो साफ नजर आ गया होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 10 दिन में ही राम रहीम के बाल इतने लंबे कैसे हो गए? अगर 25 अगस्त को राम रहीम ने विग लगा रखी थी तो क्या ये राम रहीम नकली है और असली राम रहीम विदेश में मौज कर रहा है? टीम क्राइम रिपोर्ट। हनीप्रीत कहाँ है? क्या वो भारत में ही है या फिर मुल्क की सरहदों को पार कर चुकी है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब हरियाणा पुलिस के साथ ही खुफिया एजेंसियों को भी है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए हरियाणा पुलिस हनीप्रीत को ढूंढते हुए कहां तक आ पहुंची। We'll be right back.
बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम के जेल जाने के बाद से उसकी कथित बेटी हनीप्रीत का फिलहाल कोई अता पता नहीं है। बताया जा रहा है कि जब से बाबा जेल गया है तब से हनीप्रीत का कोई सुराग नहीं लग रहा है, जिसके चलते हनी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। और अब हरियाणा पुलिस बाबा की इसी परी की तलाश में खाक छानते हुए लखीमपुर खीरी भी पहुंच गई। दरअसल हरियाणा पुलिस यूं ही खीरी नहीं पहुंची। पुलिस की माने तो भारत नेपाल सीमा पर पंजाब नंबर वाली एक गाड़ी बरामद हुई। पुलिस को इस बात का भी अंदेशा था कि इस गाड़ी का कनेक्शन कहीं बाबा की वैलेंटाइन गर्ल से तो नहीं है, और अब हनीप्रीत कहीं इसी बॉर्डर वाले इलाके से वतन छोड़कर नेपाल न भाग जाए। बॉर्डर वाले इलाके पर पुलिस के चप्पे चप्पे पर नजर है, यहाँ तक कि खाकी ने तराई इलाके में अपने दो जवानों को नेपाल से सटे गौरीफंटा इलाके में तैनात किया है, जो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बावजूद इसके हनीप्रीत का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस लखीमपुर खीरी से बैरंग वापस लौट चुकी है। 3 दिन पहले यानी 3 सितंबर को दावा किया जा रहा था कि हनीप्रीत को मुंबई के थाने से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस बात की पुष्टि ना तो मुंबई पुलिस ने की है और ना ही हरियाणा पुलिस ने। बीते 25 अगस्त से राम रहीम सलाखों के पीछे है। सीबीआई कोर्ट ने इसी दिन राम रहीम को बलात्कार का दोषी पाया था। उसी रोज से दोस्त, उसकी हमसाया हनीप्रीत गायब है। उसके गायब होने के बाद एक चिट्ठी हरियाणा पुलिस को मिली, जिसमें लिखा था कि वो अपनी मर्जी से किसी महफूज ठिकाने जा रही है। डेरे के 3 समर्थकों ने उसे महफूज ठिकाने पर छोड़ने की बात कहकर बाकायदा हस्ताक्षर भी किए थे। फिलहाल राम रहीम की गोद ली हुई बेटी अब भी हरियाणा पुलिस के लिए किसी अबूझ पहेली से कम नहीं है। टीम क्राइम रिपोर्ट। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा का हनीप्रीत को गोद लिए जाने का दावा सरासर गलत है। दरअसल वो हनीप्रीत को कानूनन गोद नहीं ले सकता। कानून के जानकारों की माने तो जिस बच्चे को गोद लिया जाता है उसकी उम्र 15 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही गोद लेने और गोद लिए जाने वाले की उम्र के बीच कम से कम 21 साल का फर्क होना चाहिए, जबकि गुरमीत और हनीप्रीत की उम्र में 15 साल का ही अंतर है। आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गोद लिए जाने का जो दावा है वो सरासर गलत है।
गोद लेने और गोद लिए जाने वाले के बीच में कम से कम 21 साल का फर्क होना जरूरी है। गुरमीत और हनीप्रीत की उम्र में 15 साल का ही अंतर है। गुरमीत का जन्म 1967 में हुआ था, जबकि प्रियंका तनेजा और हनीप्रीत का जन्म 1982 में, यानी 15 साल का सीधे सीधे अंतर आप देख सकते हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा हनीप्रीत को गोद लेने का दावा जो कर रहा है वो सरासर गलत है। हनीप्रीत को कानूनन तौर पर गोद नहीं लिया जा सकता था, और जिस तरीके से यह दावा किया जा रहा है अब ये सामने निकल कर आ रहा है कि वो दावा सरासर गलत है। आस्था का आडंबर जितना बड़ा, जिंदगी की सच्चाई उतनी ही घिनौनी। राम रहीम की जिंदगी की तमाम परतें अब खुलती जा रही हैं। कैसी थी उसकी हनी की प्रीत की रीत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अब इस रिश्ते पर यकीन मत कीजिए, अब तो बस इसे शक की निगाह से देखिए। 2011 में एक दिन मैंने बाबा जी की गुफा में रह रहा था, उनके रूम्स इकट्ठे ही होते हैं, तो मैंने उनका दरवाजा गलती से खुला रह गया और मैंने चेक करा तो वो दोनों न्यूड थे। बस एक गवाही काफी है इस रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए। भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। यूं तो राखी बांधने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हर रिश्ते की एक सीमा होती है। कौन सा बाप अपनी बेटी की आंखों में यूं आंखें डालता होगा। यकीन मानिए, जब बाप बेटी की हद पार हो जाए तो बाप राम रहीम बनता है और बेटी हनीप्रीत। कहते हैं हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य। खुद को संत बताने वाले उसी राम रहीम के अतीत के पन्ने अब खुल रहे हैं। राम रहीम कितना बड़ा अय्याश है उसका अंदाजा आपको हनीप्रीत के एक्स हस्बैंड के इस बयान से मिल जाएगा। ग्यारह में एक रोज मैं बाबा के कमरे की ओर से गुजर रहा था। मैंने देखा कि बाबा का कमरा खुला रह गया है। मैंने जब अंदर जाकर देखा तो बाबा मेरी पत्नी हनीप्रीत के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। ये देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक चुकी थी। खुद को संत बताने वाले इस बलात्कारी बाबा की अय्याशी से जुड़ा सबसे ताजा खुलासा ये है कि राम रहीम ने अब सीबीआई कोर्ट से अपील की है कि हनीप्रीत को जेल में उसके साथ रहने दिया जाए। वो कहता है कि हनीप्रीत उसकी फिजियोथेरेपिस्ट है और उसका मसाज भी करती है। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। हनीप्रीत ने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था, कोर्ट ने दोनों की गुहार नहीं सुनी। फिलहाल हनीप्रीत तब से गायब है। इस पूरे मामले के बाद हनीप्रीत का एक लेटर वायरल हुआ है जिसमें उसने लिखा है, मैं हनीप्रीत इंसा सही सलामत सिपाही विकास नंबर 3/783 फतेहाबाद के साथ जा रही हूं। हनीप्रीत के खिलाफ लुकआउट नोटिस। हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत इंसा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। लुकआउट नोटिस यानी एक इंटरनल सर्कुलर जो जांच एजेंसी जारी करती है। इसमें उस इंसान को रोकने से लेकर गिरफ्तारी तक अलर्ट शामिल होता है। ये नोटिस सीधे एयरपोर्ट इमिग्रेशन विभाग को भेजा जाता है। उस शख्स को एयरपोर्ट में घुसने से रोका जा सकता है। एयरपोर्ट विभाग उस शख्स के आने पर सूचना देता है, हिरासत में भी उसे लिया जा सकता है। तो हनीप्रीत के लिए यही वाला नोटिस जारी किया गया है। हनीप्रीत पर आरोप है कि उसने राम रहीम को जेल से भगाने की साजिश रची थी। क्राइम रिपोर्ट।
राम रहीम की जिंदगी का इतिहास अब एक एक कर उसके गुनाहों की गवाही दे रहा है, जिसे वो अपनी बेटी बताकर समाज में ढोंग रच रहा था। दरअसल पिछले 15 सालों से वो उसी हनीप्रीत के साथ नाजायज रिश्ते में था। गुरमीत का अपनी बेटी और बेटी का अपने पिता के लिए ये प्रेम कोई नया नहीं है। हनीप्रीत के सोशल मीडिया अकाउंट्स अपने पिता के साथ बनाए गए वीडियोस से भरे पड़े हैं। कोई वीडियो साथ में की गई उनकी फिल्मों के बारे में है, तो कोई बस यूं ही। किसी में फ्रेंडशिप डे पर अपने पापा को विश करते हुए, तो किसी में पापा को गुलाब से भी ज्यादा खूबसूरत बताते हुए। बहुत तरह की दोस्तियां होती हैं। तो गुड़ी ये देख, स्पेशल लेके आए हैं। ये ट्रू फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त। अच्छा, सच्चे दोस्त जी, आप आ जाओ इधर। मेरे पास तो है सच्चा दोस्त जी। अच्छा, कौन? सेंट डॉक्टर एमएस जी, मेरे पापा। वाह वाह, वही मेरे सच्चे दोस्त है। आपको बता दें कि हनीप्रीत ने एक वीडियो में गुरमीत को गुलाब से भी ज्यादा खूबसूरत बताया था। अब भला कौन सी बेटी अपने पिता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगी। बहरहाल ऐसे रिश्ते की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है, लेकिन इन दोनों ने बाप बेटी के रिश्ते को नापाक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 24 घंटे गुरुजी साथ रखते थे, जहां भी जाते थे, जैसे बॉम्बे जाता, बाहर सिंगापुर जाना, कहीं भी जाना, विदेशों में जाना, तो हर टाइम वो साये की तरह वो ही रहती थी। उनसे पूछ के जो काम होता था, नीचे मैसेज भी वही देती थी। करीब 7 साल पहले गुरमीत राम रहीम ने प्रियंका तनेजा यानी हनीप्रीत को गोद लिया था, लेकिन राम रहीम ने प्रियंका तनेजा को जानबूझकर अपना नाम दिया, ताकि वो पिता की आड़ में जी भर कर उसके साथ अय्याशी कर सके और किसी को उनके रिश्तों पर शक भी न हो। लेकिन आपको बता दें कि राम रहीम अपने इस नापाक रिश्ते को जेल में भी अंजाम देना चाहता है, इसीलिए उसने जेल के अंदर से ही फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर प्रियंका तनेजा के साथ की मांग CBI कोर्ट से की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी मांग पूरी करने से इनकार कर दिया। गुरमीत ने CBI कोर्ट में अर्जी देकर ये भी कहा था कि उसकी पीठ में दर्द रहता है और उसकी बेटी हनीप्रीत ही मसाज करती है, इसीलिए उसे सहायक के तौर पर रखा जाए। 2 बार दी गई अर्जी में गुरमीत ने अलग अलग कारण बताए, लेकिन डॉक्टरों ने इन दावों को झूठा साबित कर दिया। पहला दावा रोहतक जेल पहुंचने के बाद किया। उस दौरान उसने कहा था कि उसे हाइपरटेंशन, पीठ में दर्द और डायबिटीज है। जांच के लिए रोहतक PGI के 3 डॉक्टरों को बुलाया गया था, तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। इसके बाद दोबारा गुरमीत ने जेल में रहते हुए याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। गुरमीत का कहना है कि उसे पीठ में दर्द रहता है और हनीप्रीत फिजियोथेरेपी के अलावा मसाज भी करती है, इसीलिए उसे उसके साथ रहने दिया जाए। आपको बता दें कि राम रहीम को डेरा से जेल गए करीब 1 सप्ताह का वक्त बीत गया है। जेल में उसे माली का काम दिया गया है, जिसके लिए उसे 40 रुपए प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है। रांची ठाट बाट से रहने वाले डेरा प्रमुख के लिए ये सब कुछ बहुत कठिन है। सूत्रों की माने तो जेल की 8x8 की सेल में राम रहीम दीवारों से बातें करता है। सूत्रों से पता चला है कि खाने को लेकर शिकायत के चलते वो बहुत कम खाना खाता है, वो किसी से बात नहीं करता। सीने में दर्द और ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद से उसे जेल में फल और मिनरल वाटर भी मिल रहा है। वो सुबह और शाम के अटेंडेंस में भी शामिल होता है, ज्यादातर वो बैठा ही रहता है और देर से सोता है। अब गुरमीत ने जेल में योग करना भी शुरू कर दिया है और धीरे धीरे वहाँ के माहौल को अपना भी लिया है। टीम क्राइम रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट में फिलहाल मेरे साथ इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव टुडे। नमस्कार, जय हिंद।